रहमान रहीम इब्तदा उजात ने ना नाल जरा दिला ने राज बहु भी जाना या उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो सो खुशबाश हो सो तो अल्लाह तला ने इफ्ज़ो अमान ही सो। कश्मीरी विलागर एक नया खूबसूरत जहा विलाग के दीता है सानी खिदमत हाजिर है। कश्मीरी विलागर की तरफों मेज़बान इसरारिया को सफीर भाई जी आज एक दफा फिर असं तो खिदमत ही हाजिर है मंगला डैम नहीं कोई अपडेट देने थे अज मंगला डैम नहीं अपडेट असं नालों नाल है कि थोड़ी जी पाकिस्तानी साइड जी सूरत आ रही भी डिस्कस कर सा बाकी एक साढ़े भ्रा अक्सर पूछने टेंपरेचर क्या इतने ना उन्हें कि भाई उड़ा कि यकीन करो इतनी गर्मी तो पड़ा सा ना कि बंदा सोच ही नहीं सकता गल है हवा भी चलनी है लेकिन उसने बावजूद हबस जिसके आखने ना बिल्कुल वो चीज है बहुत ज्यादा भाई रे मक्का हूँ पकने लिए पसा जाने पे फिर उसकी वजह तो जाहिर है मौसम भी आ जाएगा रात अलबत्त ठीक है लेकिन दिन वो हार्ड हो हूँ इस वे तकरीबन शामी ने पांच होया तो आहिस्ता आहिस्ता जरा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया हवा चलना शुरू हो गई पर जी दिहाड़ होनी ना उसने ना पूछो क्या हालात होने पखे पेवे दो त्रै लगे पे ना तो परसीना जाना होना बाकी है कि बिलों ने भी हूँ अगर कोई पता नहीं मेरे शक बिजली तो बगैर रहना पे सी हवा बिलों ने बाइकाट करी दी बिल्कुल ही सूरत हाल चलनी भी है तो काफ़ी ज़्यादा जरा ना आवाम हूँ अज सोशल मीडिया पर जरा लगे सी कि डडियाल भी उन्हें आया कि तुसा जरा ना अपने अपने बिल कनी चौका भी चो इत गठे करो फिर चलो गल होनी बिल साड़ना या कुछ इस तरह करना उसने पर एक्शन हो जाना लेकिन जल्द बंदे ज्यादा होने फिर थोड़ी जी गवर्नमेंट भी सोचने पर मजबूर हो जानी है जाहिर है एक बंदे ना नहीं पूरे फिर खिते नहीं गल आई जानी है पूरे इलाके नहीं हूं तो रात समझ पूरे कश्मीर नहीं आया इसलिए बाकी इस तू अलावा यह कि अज अस मौजूद हैं कुछ मोड़ा शेर शाह बिल्कुल अस इसकी अज विजिट करना है वक्ती बिल्कुल आबादी ने करीब मौजूद हैं तुम कि बैक साइड नज़र भी आई रहा उसकी इधर भी मकान है साढ़ी साइड इस बैक साइड ही मकान है विजिट किया ना उसने बिच पानी आया है आबादी को आया है लेकिन उस आबादी ने जरा पानी ने करीब कार इतने ज्यादा कौन सन लेकिन इस साइड पर जड़ी सूरत हाल है तकी है कि बहुत ज्यादा मकान है पानी बिल्कुल उन सामने जड़ी आबादी है उठा जड़े बच्चे हैं असा की थु दिसने पे हैं वो बिल्कुल पानिए विच इस वेले बड़े वे चलो खेने छने जो भी करने पा रहे कि वो पार से एक ट्रैक्टर दिसना उसी है ये बिल्कुल पानी है नाल उस तो अगे वो कोने पर कार हैं जिधर से अंबे ने बूटे दिसने वो भी बिल्कुल वो भी पानी डूबे हुए इधर भी यह सूरत हाल है ये जड़ा सामने कार है ये बिल्कुल पानी इस पानी से चार साइडम रहा लेकिन इतना थोड़ा पानी कराए दाखल नहीं होया बिल्कुल उस तो बाद ये अगे झुग्गियां आ जानियां कच्चियां ते बाकी जड़े जिन्होंने कार हैं वो लोग इतना मौजूद हैं ओवरऑल ये है कि देहात समझो डूबने पे हैं ये चीज है खाली ये तो चलो जिस तरह सारा कैमरा जाना सा उधर ही सही विजिट करया ना इस तो परली साइड पर चलो उधर व्यू करा सा समझी उधर भी सूरत हाल है कि जड़ा ना काफी ज्यादा झुग्गियां ही है मोस्टली बिल्कुल बिल्कुल सामने रोड भी है रोड ही ठीक है कुछ जगह ऐसी भी हैं जिथे रोड रोडा नहीं दूसरी साइड पर पानी जा उठी बिल्कुल पुलियां बनती है ना बनती इतना चलो पानी आज आया है खाली लेकिन अगर उधर जी सूरत हाल है उतू पुलियां ने इतों निकली पानी हूँ गल जो बारिश ज्यादा हो जानी है या पानी इधर चढ़ना तो फिर इसमें डबल फायदे भी होने वैसे ज्यादा रहे हैं जिस कुछ सोशल मीडिया पर तक अस गए उधर मैरा छपरा की साइड उधर भी यह चीज है ये जेडे एक बनाई गई जगह वो इस मारे कि चलो पानी कढ़िया जाए बाहर ठीक है यानी उधर ना पानी इधर कढ़िया जाए पर हूँ जल्द उधर पानी चढ़िया इधर उधर गया जाए इधर भी जाना पैना वो साइडा भी भरन गया सो है कि जिथे हर चीज़ ने फायदे उसे थोड़े बहुत नुकसान भी होने बाकी है कि हूँ चलो ग्रां थोड़ा अगर जुले हैं तुम कि ग्रां ना मैं विजिट करवाने लेकिन उस तो पहले एक गल जी करनी है साढ़े एक पापा रे कोई बड़े कमेंट करने इं गल चलो नालों नाल अगर जुले हैं नाल डिस्कस करने हैं व्यू ना चक्कर है सारा गल तो बेसिकली आती है ये कोई भी बंदा कम करना है उसने अपना फायदा भी तकना है इतनी होना खाली के चलो सदर है कोई भी जितने सारे भैन भ्राए हूँ बाहर कंट्रियां गए हैं जाहिर है उ इतने दूर तक के खाने पे कुछ मासा तो अपने पिछले सौखे बिल्कुल हूँ एक बंदा चलो मैं गल ऐड करना सो फिर कंटिन्यू करा कि हूँ एवं बंदा अपनी बढ़ाई करे जी कि ना ना असा आवाम ने मारे ज्यादा करने असं अपने व्यू नहीं कौन है जोड़ा भी बंदा सोशल मीडिया पर आया ईवन यूट्यूब पर आया जोड़ा भी बंदा है वो शुगर मेले ने तौर पर नहीं आया है वो ये है कि अपना एक रोजगार ने मरिया लगा बार एक रोजगार दुबा फेम फेम ठीक है ये दो चीजा पक्की आई बिल्कुल हाँ ये है कि तुसा फेम बुरे तरीके नाल बुरे काम करी दा भी हासिल करी सकने हो ठीक है पैसा वायरल होई सकने हो
ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਸਨੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਅਸਾਂ ਆਪੂ ਵੀ ਫਿਰੀ ਇਸਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਟੇਨ ਅਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸੋ ਹਰ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਸੋਂ ਸਾਹਬ ਲਾਈ ਕਿਨੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆੜ ਲਾਈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਚੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 2000 ਬੰਦਾ ਤੱਕਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ 8-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸਕੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸਕੀ ਉਸਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵਧਣੀ ਜਾ ਸੀ ਵਧਣੀ ਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾ ਬਚਨੇ ਲਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲਾ ਡੇਮ ਸੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤੱਕੋ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਥੰਬਨੇਲ ਪਰ ਲਗਾਓ ਸੈਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਲਾ ਡੇਮ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਈ ਜੇ ਸੈਲਾਬ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੰਬਨੇਲ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਅਰੀਏ ਸੈਲਾਬ ਬਚਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਮਾਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੰਝ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਸਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲਵਾ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਆ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜੁਲੇ ਜੁਲੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਾ ਮੰਗਲਾ ਡੇਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਈ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲਾ ਡੇਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ 1245 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਲੋ ਤਾਂ ਆਊਟਫਲੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੋ ਤਾਂ ਆਊਟਫਲੋ 24,000 ਪਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਸੀ 24 ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟਫਲੋ ਵਧਿਆ ਉਹ 18,000 ਪਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਫਲੋ ਆਊਟਫਲੋ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ 24,000 ਪਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੋ ਆਊਟਫਲੋ ਦੋਵੇਂ ਸਨ 3,000 ਅੱਜ ਇਨਫਲੋ ਤੇ ਆਊਟਫਲੋ 2,000 ਘਟੀ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫਲੋ ਵੀ ਘਟਿਆ ਵਾ ਆਊਟਫਲੋ ਵੀ ਘਟਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੱਕਣੇ ਖਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਲਮ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਪਾਣੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਬੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਆ ਸਾ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਣੇ ਪਿਆ ਕਿ 1242 ਫਿਕਸ ਹੀ ਰੇਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਆਂ ਤੱਕਣੇ ਪਿਆ ਜਿਤਨਾ ਇਨਫਲੋ ਉਤਨਾ ਆਊਟਫਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਥੰਬਨੇਲ ਪਰ ਕਿਸਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਜ਼ਿਆ ਲਿਖੀ ਵੀ ਉੜਿਆ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਗਰਾਏ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਹਾਂ ਵਿਊ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਬੀ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮੰਗਲਾ ਡੇਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦ ਹਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਹੁਣ ਨਸ਼ਨੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬਨੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲਜ ਕਿਆ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸੈਲਾਬੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲਜ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਛੋੜਸੀ ਹੈ ਛੋੜਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਆ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹਨ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸਰ ਕਸੂਰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਚਨਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆ ਸਾ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਕਿ ਉਬੂਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਜਿਸ ਕੀ ਆਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੋਲੀ ਉੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋ ਬਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤੱਕਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੌਫ ਅਚਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੋ ਤੱਕੇ ਉਸਨੇ
बच्चे जो करीब खाली पानी जाने तकने ना तो वो रोन पेने इतना एक पानी ने फ्लो सलाबी सुरत हल होनी उस एक तो सुरीत भाई ये चीज है शायद इतफाक होया या कदर नहीं होया पर माड़ा होया 2011-12 आई थिंक एक दफा पानी आया सब दरिया झेलम ते इतना शोर होना ना इतना शोर कि सोच ही नहीं सकने मतलब कि हर तरफ मतलब गूंज पैदा हुई होनी है ते बड़ा ही खौफ लगना जाहिर गल एक था पानी इतना स्पीड ही जाना होना ते जिले फिर उस जिले मैं सूरत हाल तक उस हिसाब किताब से लकड़ भी काफी ज्यादा आई उसी ते मैं अपनी अखियां तक के हाल है के उस काफी लकड़ियां लपने लकड़ियां लपने एक दो सुरते मारे अखियां तक के वाकया ते के एक बंदे की कश्ती भी जो जड़ा ना कश्ती समझो एक समझी फसी गई अच्छा फिर यह के रस्सा शसा बाई तो उसकी चिक्की कड़िया ने एक दो कश्तियां रुड़ी गई बुन फिर बड़े दूरों जाई तो उन्हें मोड़िया इवन के एक बंदा तरना पिया सी उस रस्सा बदया सी ते ए सुरत हाल हुई के वह फसी गया लकड़ियां विच ठीक है तो बड़ा मुश्किल क्योंकि अपरों भी पानी इछना पे स्पीड लकड़ियां भी नाल है तो फिर वो बड़ा मुश्किल नाल उसकी रस्से नाल जड़ा ना तो खींची ले कड़िया ने बाद तो फिर जाहिर इंसान की फितरत है जिला कोशिश होनी कि जे मौके पर आ रहे इंसान नहीं के जड़ा ना जड़ा फायदा उस उठाई ना काफ़ी तो नुकसान भी होने लेकिन जो लोग ऐसे होने कि जिन्होंने अपने घर मकान वगैरह नहीं इछने बिल्कुल फिर वो फायदा भी चाहने जाहिर आपू जिन्होंने मकान टुटी तक उन्होंने लकड़ी होनी और बेशुमार कर साजो समान होना वो इछना या वो भी चाहने सो ओवरऑल पाकिस्तान उस दिन भी दसा कि कोई भी न्यूज़ चैनल विजिट करी करो जितने भी खासकर पाकिस्तान के जितने भी जो चैनल चले पे डॉन न्यूज़ ARY या जियो जितने भी हैं सारे पर चीज़ा मजीद डिटेल ना थकी सकते हो कि कितना ज्यादा नुकसान हास करके कि ज्यादातर मैं अगर ही दसा था कि लोगों का फोकस मंगला डेम पर ठीक है जिस वे इधर एक सैलाबी सुरताल नहीं होनी उस वे लोगों कितना नहीं इंटरेस्ट ही ठीक है इन्ना लोग सोचने कि शायद सैलाब आई गया पर यकीन करो कि इतनी तबाही है उधर फौज तलब है कैंप इमदादी लगे हुए ठीक है इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं कुछ लोग जो फसे हुए उसकी उन्होंने फौज कढ़नी पी है कुछ जिन्होंने जिंदगी नहीं होनी वो पानिए नाल ही लगे जाने खासकर कसूर ना बहावल लगन ये जो दो इलाके हैं इतना बहुत ही ज्यादा तबाही हुई है तो जो हैड सुलमान की ना वो अज ही ऐसी खबर के क्योंकि इंडिया में पिछले अगले जो दो त्रै दिन उ बारिश नहीं पेशन कोई आई तो उसने वजह तो उन्होंने पानी खोलना ही खोलना आया उसने वजह तो हैड सुलमान की जो उतो आखने के 200,000 ना रेला अगले शायद 24-48 घंटे ने अंदर गुजर सी उसने वजह तो पाकिस्तान ने अंदर जानी मजीद 115-120 देहात जड़े वो सारे जेरे आब आई जसन बड़ा नुकसान बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान आ खासकर पाकिस्तान के हालात भी किस तरह ने पता है कि इस तरह निगरान हुकूमत है सो निगरान हुकूमत जो भी हो एक तरह की नाड़ी होनी है तजर्बा फिर तजर्बा होना सो शायद वो पता नहीं होने के इन मामलात की किस तरह हैंडल कर सन चलो अल्लाह खैर करे जी अल्लाह सारे के अपने हिफ्ज़ो अमान ही रखे असा तो यह दुआ कर सी गल है सो बाकी अज असा थंबनेल पर लिया भी सर दरिया सतलज नहीं पाने पे सैलाबी सूरत हाल है हाई अलर्ट जो जारी हुए वे पाकिस्तानी तरफों भी सारे वो सतलज ने जी अगर आबादी है वो जो एरिया है उन्होंने जो सतलज ने आजादी चश्ने ग्रां महल्ले कस्बे जो भी देहात है उन्होंने वास्ते हाई अलर्ट जारी है मंगला डेम का सूरत हाल अज अलहमदुल्ला अल्लाह ना लख लख शुक्र है कि इधर अजा कोई इस तरह की सूरत हाल ना गां नहीं आ कोई नहीं पैदा हुई है ना दरिया जेलम ही इस वक्त दरिया जेलम वैसे तो मतलब कि जरा साड़ी साइड पर आई इधर तो पानी चढ़ी गया या चढ़ी गया वो तो चलो एक नॉर्मल रूटीन ही जिस हर साल चढ़ना या पानी उस नाला है हाँ अगर खुदा ना हास्ता कोई मतलब कि इस तरह सैलाबी रेला या कोई इस तरह की सूरत हाल होनी है दरिया जेलम तो फिर उस तो बाद क्या दस सकने कि क्या कोई नुकसान आता क्या इतना बाद हूँ कोई बंदा नाराज ना हो जाए बाद नुकसान अपना आपू करने हूँ साढ़े सामने जी सूरत हाल है इसने अल्लाह ना करे अगर कोई इस तरह ना वाकया पेश आई जाए अफसोसनाक बिल्कुल इसने टोटली आसानी अपनी उसी इन्होंने कराने नहीं उसी बाकी शायद हरियाम पुल पर एक दो वीडियो तकिया मैंने बड़ी वायरल हैं अजकल जेड़े क्योंकि दो पिलर उसने रही किसी जो नहीं तामीर हो सके उतों नौजवान जाने ठीक है तरी के जो तरी किन्ने वो जाने उत्थें तक मुड़ी वो जड़ियाँ उन्होंने कोई लगिया हुई सरगियां शरगियां उन्होंने पौड़ी मुड़ी उपर जाने टाप उपर उतों जाए तो मुड़ी छाल मारने नीचे तो वो कुछ बंदे सोशल मीडिया पर लाया भी था कि गया ठीक तो फिर बाद ही फिर पछताने का फायदा नहीं ना जो हूँ साढ़े सामने बेशक इतने मकामी है इन्हें पता है लेकिन 100 करीब बच्चे बच्चे हूँ बिल्कुल एक बच्चा बिल्कुल मैं जरा इतना दिखना पे शायद 4 साल 3 साल का बच्चा होता है अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे जे वो गल है कि यह नहीं होना कि पानी जल्द बंदा ही सख्ती लगनी है ना फिर गिटियां जी पानी की ना वह ना उत्थे खासकर इन्हें घराने नज़दीक जितने भी नज़र आई रहे यकीन करो किनारे पर इधर भी सामने भी
टोटली किनारे पर डानी बचे हैं, कुछ पानी बिच हैं कुछ पानी तो बाहर हैं, पर बड़ा कोई भी फर्द असा इतना नजर नहीं आई रहा। ठीक है, अल्लाह ना करे अगर कोई बचा बचा ही होना है, अगर पानी नजदीक लगा जाना कोई पैर फिसी जाना सोतरा ने मामला है वो निका छा पे वो जरा दसो है ना बिल्कुल आखो कि क्या हो क्या उम्र ही उस बच्चे ने। ठीक है, असने यकीन करो इतना जरा बचा होना ना उसकी तो हाथ पौड़ी तो चलाने हैं। ठीक है, कि बेड़े कुछ चीज़ें ना लगी तो सही पेसी है तो ये अच्छा पे हूँ पानी ने बड़सी क्या वो है कि बड़ा गया वा। ठीक है, उस दुनिया दुआ की बड़ा ही ना तो उन्हें निका आ रहा इसकी भी उत्थ जो लिया है। चलो असं कोशिश करने नहीं मना करा लेकिन गल है कि बुझनी कोनी ना वो गल है कि नेकी ना तुसा तकने ना आजकल किता जड़े जातना साइड पुलिस ले आए ना हरियाणा वालों उन लोगों की पौड़ी ते किनी के कल 144 जड़ी है ना वो मीरपुर साइड नाफज हुई भी। ठीक है, कि सानू पानी चलो जाई सकने ठीक है इस तरह कोई नहीं, लेकिन कल कुछ नौजवान गेब सन पुलिस ले बया गड्डी फिर नहीं फिर जाहरी गल है जिले फिर सीधे तरीके ना कोई बुझी तो फिर यही हाल है यही गल है जिस तरह की आपने जाने नहीं परवाह देखो इंजॉयमेंट है ना जड़ी चलो जो बंदे तैराक या जो भी है इंजॉयमेंट करो ना इंजॉयमेंट ना भी एक तरीका कार है जिस तरह हम हरियाम पुल पर जाइए तो जिसे मिड बिल्कुल मिड है बहरहाल जी चलो वीडियो काफी सारी आज लेंथी बस इस गपा शपा जी हो गया चलो जी साडे कोल कोई मालूमात है सी दरिया सतलज ने हवाले नाल उठा क्या सूरत हाल है उस तों की दित्ती है इस तों अलावा जिहड़ी इस मंगला डेम नी ताजा सूरत हाल है ओह भी तों की दसी उड़ी है फिर भी कुछ गल्ला भी तुसीं दसियां कमेंट ने हवाले नाल भी कोई बया आया तो फिर भी जाने अनजाने अगर किसे कोई गल बुरी लगी तो माफ़ माजरत भी है तो बाकी है कि अगर असने कोई पहले भी एक दफा दसिया कि कोई अगर चीज़ तुसीं की साड़ी गलत लगनी है कोई इस तरह की चीज़ होनी तो तुसीं पर नंबर पर्सनल मेंशन कीता जाहिरी गल है क्या कि एक हदीस है कि अगर तुसें कुसै नी सलाह करनी ना तो तनहाई बिच करो बिल्कुल ये चीज़ ठीक है जिल्लै तुस सरेआम सारे ने सामने कर सो ना तो फिर सकना शायद ली गल है कि वो उस चीज़ ना इम्पैक्ट अच्छा ना जाए बिल्कुल सो यह कि माड़े को कमेंट भी में दिहाड़ी तक हाँ माड़े को आया वा क्या कि असा क्या अक्सर जो साढ़े यूट्यूबर हजरात ने असा क्या कि थोड़े जे ब्रिटिश कम्युनिटी की रखने तो असं जो तकने वाले प्यारे होने फिर दुनिया नरक होने मौजूद है मैं स्पैशली एक भाई ने मैसेज किया मैं उसकी पढ़ी तो सुनाई उड़ना आ उन्होंने लिखा जी अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल है मैं आपके यूट्यूब पर तमाम वीडियो देखता हूँ लेकिन आप लोग हर वक्त इंग्लैंड का जिक्र करते हैं हम स्कॉटलैंड में हैं और आपकी वीडियो देख रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में मजीद थनपाल मोड़ा शेरशाह इस्लामगढ़ मीरपुर के लोग आबाद हैं लेकिन हम एक अलग मुल्क में हैं हमारा वज़ीर आज़म भी पंजाबी है हमजा यूसुफ और इंग्लैंड का हिंदू है। ठीक है थले मुड़ी उन्होंने लिखा जी स्पेशल इंग्लैंड सॉरी स्कॉटलैंड ना झंडा भाई पाकिस्तान ना झंडा भाई तो मुड़ी असा वास्ते उन्होंने लिखा जी वी लव यू सो यह है कि सारे वास्ते रिस्पेक्ट है लेकिन है कि ज्यादातर कि साढ़े जो जानने वाले होने कम्यूनिटी जड़ी होनी ना बेसिकली है कि जिसे जाहिर असं यूट्यूब खोलने उसने कम्यूनिटी अच्छी है तो उसने भी शो होना या असा को इंग्लैंड ने तकरीबन 60-70% जड़ी ऑडियंस है जड़ी साड़ी यूके नहीं है तो बाकी भी थोड़े बहुत शो होनी है चलो जितने भी असं भैन भ्रा जिस मुल्क चु भी तकने सारे वास्ते बड़ी रिस्पैक्ट है नाल बहुत बहुत शुक्रिया भी इस तरह सपोर्ट भी करने रहो असं कि जिथे असा कोई गलती है जिथे असा कोई गल बुरी लगनी है उस जरूर चलो मैं ऐड करी ओड़ा कोशिश करो जो परसनल राबता करने जड़े आने वीडियो तकना कोशिश करो कमेंट भी करी ओड़ो जैसे परसनल बने तो असा ही पता लगना कि साड़ी वीडियो तकने हो लेकिन कमेंट बिच भी बाई उड़सो तो सारे जितने भी साढ़े बंदे तकने वाले सारे ही पता लगी जाएगी कि तुसा नका ना या तुसा भी साड़ी वीडियो तकने तो कुत्थे रहने हो सो है कि परसनल बेशक राबता करो 100 मरतबा करो कोई मसला नहीं लेकिन वीडियो पर भी अगर तकने हो तो नाल कमेंट लाजमी नाल वीडियो शेयर भी करो तो जिन्हें भैन भ्रा जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करो बैल आइकॉन पर प्रेस करें तो इस तरह इंशाल्लाह खूबसूरत व्लॉग के नहीं इनफॉर्मेटिव व्लॉग के नहीं खिदमत में अच्छे रहे सौ तो दुआ में याद रखे ने तब तक अपने अपने प्यारे का ख्याल रखा।